हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गोल्डा चिंगरी। ये चिंगरी को हमने रख लिया है, अब हम इसे अच्छी तरह से साफ करेंगे। पहले ये देखिए, हमने इसे साफ भी किया है और कुछ अभी और करना है। ये देखिए, चिंगरी को हमने अच्छी तरह से बना के साफ पानी से धो लिया है। अब हम इसमें देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। कढ़ाई में हमने तेल भी देके अच्छी तरह से तेल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें देंगे सरसों। सरसों भी हमारा लगभग पक चुका है। अब हम इसमें देंगे दो साबुत मिर्ची, सूखी मिर्ची, इसे भी हम थोड़ा लाल कर लेंगे। ये देखिए, सरसों और मिर्ची को हमने लाल कर लिया। अब हम देंगे जो चिंगरी हमने यहाँ धो करके हल्दी मिला के रखा था, ये चिंगरी अब हम तेल में दे देंगे। अब हम इसे तेल में अच्छी तरह से चिंगरी को मिक्स कर लेंगे। मछली में देंगे हम ये कुछ मसाला, धनिया पाउडर, लहसुन, अदरक, एक छोटा सा प्याज और जीरा गुलकी। इसे हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तेल में हमने चिंगरी को पहले हल्का फ्राई कर लिया है। चिंगरी हमारा लगभग फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें देंगे ग्राइंड किया हुआ मसाला। ये हमने मसाला भी ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसमें दे देंगे। अब हम इसमें देंगे चिली पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के अनुसार दीजिएगा। अब हम इसमें देंगे नमक, ये भी आप अपने टेस्ट के अनुसार ही दीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ फ्राई चिंगरी बनाएंगे, पानी डालना नहीं है। बस हमें मसाले के साथ चिंगरी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, मसाले के साथ हमें चिंगरी को अच्छी तरह से फ्राई करना है। हमने अभी और भी कुछ टाइम तक चिंगरी किस तरह से फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारा गोल्डा चिंगरी फ्राई तैयार हो गया है। आप लोग भी बनाइए, खाइए और हमें बताइए आप लोगों को कैसा लगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्वाद की दुनिया,